आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। नॉन अटेंडेंट शिकायतों पर लगाया जाए अधिकारियों पर जुर्माना, कलेक्टर डॉक्टर फटिंग। बड़वानी सीएम हेल्पलाइन शासन की महत्वपूर्ण योजना है, इसमें शिकायतों का निराकरण अधिक गंभीरता से करें। साथ ही कोई भी शिकायत नॉन अटेंडेंट ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। भविष्य में नॉन अटेंडेंट शिकायत समीक्षा के दौरान पाए जाने पर संबंधित अधिकारी पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज होने पर SMS आता है, अतः अधिकारी आने वाले SMS को अनिवार्य रूप से देखे और शिकायत का L1 स्तर पर ही निराकरण करने का प्रयास करे। कलेक्टर डॉक्टर राहुल फटिंग ने उक्त बातें सोमवार को कलेक्टर कार्यालय बड़वानी के सभागृह में आयोजित समय सीमा बैठक के दौरान सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कही। इस दौरान कलेक्टर ने लीड बैंक मैनेजर श्री संदीप अग्रवाल द्वारा सीएम हेल्पलाइन में दर्ज 100% शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने पर उनकी प्रशंसा करते हुए सभी अधिकारियों से कहा कि सीएम हेल्पलाइन में 100% शिकायतों का निराकरण करना कार्य के प्रति समर्पण और लगन को दर्शाता है। लीड बैंक मैनेजर से सभी अधिकारियों को सीख लेने की आवश्यकता है। बैठक में दिए गए अन्य निर्देश। समाधान एक दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत लोक सेवा केंद्रों पर संबंधित विभाग के प्राधिकृत अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे, अनुपस्थिति की दशा में उनका वेतन काटने की कार्यवाही की जाए। विधानसभा सत्र के दौरान आने वाले प्रश्नों के सटीक जवाब समय सीमा में अधिकारी दे। विधानसभा सत्र के दौरान कोई भी जिला अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़े। नगरीय निकाय और जनपद पंचायत के CEO मियावाकी पद्धति से पौधारोपण करें, इस हेतु प्लान बनाकर प्रस्तुत करें। पौधारोपण के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि ज्यादा छोटे पौधे नहीं लगाएं। साथ ही पौधे लगाने के पहले पानी की व्यवस्था, ट्री गार्ड और एक बड़ा गड्ढा खोदकर 2 से 2.5 फीट के पौधे लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण में जन सहयोग को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। उन्होंने बताया कि अपनी माता के नाम से पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करते हुए पौधे को वृक्ष का रूप लेते हुए देखे। जिले में संचालित समस्त छात्रावास और आश्रमों में भी पौधारोपण कर परिसर को सुंदर बनाएं। साथ ही निवासरत बच्चों के लिए पोषक वाटिका भी बनाएं। पार्टी में पुल का निर्माण कार्य होने के कारण वैकल्पिक मार्ग बनाया गया, परंतु वैकल्पिक मार्ग से पैदल और दोपहिया वाहनों के लिए बनाया गया, अतः उक्त मार्ग पर बड़ी बस और चार पहिया वाहन का संचालन नहीं किया जाए। बस और चार पहिया वाहनों के लिए अन्य मार्ग निर्धारित किया जाए, उसी मार्ग पर संचालन किया जाए। माह जून में 50% से कम हितग्राहियों को राशन वितरण करने वाली उचित मूल्य दुकानों के सेल्समैन को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाए। बड़वानी से ब्यूरो रिपोर्ट।